हमारे पास जो किस्ती का काम करने वाला है उसको वाड्रो कहते हैं, इसीलिए हम इब्बू वाड्रो मशहूर है, पूरा नाम अब्दुल्ला है हमारा। तो पहले हम ये माहीगिरी का काम करते थे, जाला खींचते थे, मछली पकड़ना ये हमारा काम था, लेकिन मुझे ये शौक हो गया क्योंकि ये हमारा जो नाना था उसका ये पेशा था लकड़ी का काम करना। तकरीबन आजकल मुझे 17-18 साल ये काम करते हुए, जब हम काम ये सीखा था तो वो ज़माना कुछ और था, सस्ताई का दौर था। आजकल तो महंगाई की आग जल रही है, चारों तरफ हर चीज़ महंगी हो गई है, तो आजकल जो लोग हैं वो भी सोच सोच के पागल बन जाते हैं, और हम लोग जो वाड़े हैं हमको भी ये पता नहीं चलता है कि अब ये किसी हम बना रहे हैं कितना खर्चा इसमें मुकम्मल होगा या नहीं होगा। एक महीने की ख़रीदारी है, दूसरे महीने पे उतनी महंगी हो जाती है वो चीज़, तो इसीलिए जो हम ठेका लेते हैं 3-4 महीना लग जाता है तो वो ठेका हमको गले पड़ जाता है। आजकल ये इतना ही जोर बदल गया, कीकर जो पहले था अपना ये 50 रुपया फूट या 40 रुपया मन या फूट के हिसाब से हम लेते थे, और बयाल ये 70 रुपया फूट हम लेते थे, और अभी जो है वो चिलगोजा दयाल जो है वो मिल रहा है अपना कितना 1800-2000 में फूट मिल रहा है, और अल्लाह का भला करे जो कीकर है ये 700-800 रुपया फूट मिल रहा है। तो जो किस्ती पहले 15,000 में 12,000 में जो बनती थी वो अभी 1.25 लाख से 1.5 लाख तक जा रही है, इतनी चीज़ें महंगी हो गई। और हम जो वाड़े हैं तो पहले जैसे हमारे पास औजार हुआ करते थे जो हम हाथ से काम ज़्यादा किया करते थे, लेकिन अभी साइंसी दौर आ गया तो सारे लोग जो वाड़े हैं हमारे वो सब चली मशीनों से काम कर रहे हैं औजारों से, तो इसको बिजली की ज़रूरत है, बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है तो जनरेटर लेना पड़ता है। जनरेटर जो है कभी ऐसा फॉल्ट होता है बिजली में जो पूरे दिन तक बिजली नहीं है, 2 दिन तक नहीं है, तो जनरेटर चलाना पड़ता है, तो उसी में वाड़े का भी नुकसान हो रहा है, मालिक का भी नुकसान हो रहा है। बस किस्तियों का ये नाम ये है कि अब जो ये किस्ती रखी हुई है ना, इस किस्ती को हम घोड़ा कहते हैं, जो पहले एक डिज़ाइन था उसको हम लॉन्च किया करते थे, उसके उसमें इंजन जो है वो अंदर आती है तो उसको हम लॉन्च कहते हैं। अब ये जो ये घोड़ा है इसमें से लॉन्चें बन गई हैं क्योंकि इसमें भी मोटर आ गई लेकिन वो ऊपर वाली साइड में रखी हुई है, तो ये घोड़े हैं जो छोटे हैं उसको हम किस्ती भी कह सकते हैं और बड़े को किस्ती भी कहते हैं, घोड़ा भी कहते हैं, होड़ी भी कहते हैं। तो बच्चों के लिए हम तो ये सोचते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं और दूसरों बच्चों की तरह वो भी कुछ तरक्की में आ जाएँ, उसी को भी हम तालीम दिला दें तो वो अच्छी बात है, और हम कुछ कम सुधरें हमारे बच्चे सुधर जाएँ तो ये भी हमारी खुशनसीब। जो माँ बाप के पीछे जाते हैं तो वो तो यही काम करते हैं, तो कोई जो है वो कहते हैं कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, मुश्किल बन गया है, तो वो नौकरी ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो नौकरियाँ मिलना जो है वो मुश्किल है, तो उस मुश्किल से हम यही समझते हैं कि जो हमारी परदादाओं की जो कमाई है अगर वो करते रहेंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छी है।